दोस्तों, अगर आप रिच पियाना को जानते भी नहीं हो, फिर भी अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है, देन एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से स्टेरॉइड्स के ओवरडोज से रिच पियाना की डेथ हो गई थी, उनके एटॉप्सी रिपोर्ट में क्या आया था, किस लेवल तक उन्होंने ड्रग्स यूज करे थे और कितनी उम्र तक यूज करे थे और किस तरीके से ये सारी चीजें उनके लाइफ में, मेंटल एंड फिजिकल लाइफ पे अफेक्ट करी थी। सारी चीजें जो उन्होंने इंग्लिश में बताई थी, मैं जस्ट ट्रांसलेट करके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आपको पॉजिटिव कंटेंट लगता है, अगर आपको कुछ सीखने मिलता है, देन डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज सारे लोग तो जज करेंगे कि इतने कम सब्सक्राइबर्स है तो वो भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बट दोस्तों अगर धीरे धीरे एक एक सब्सक्राइब करेगा देन हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। चैनल के सारे वीडियोस देखो, मैं पॉजिटिव कंटेंट ही डालता हूँ। तो डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिच पियाना कहते हैं कि कभी भी मैंने स्टेरॉइड्स के बारे में एनकरेज नहीं किया लोगों को, मैंने कभी बताया नहीं कि आपको स्टेरॉइड लेना चाहिए, जस्ट मैं एजुकेट करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। रिच पियाना का यह मानना था कि जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से स्टेरॉइड्स ह्यूमन बॉडी को हर्ट करते हैं। अगर आपके पास दो चॉइसेस है, नेचुरल रहना और पीएडीज पे रहना, देन डेफिनेटली आपको नेचुरल रहना चॉइस करना चाहिए बिकॉज स्टेरॉइड्स एक तरीके से बॉडी को हार्म ही करती है एक लेवल के बाद। रिच पियाना कहते हैं कि मेरी मदर खुद बॉडी बिल्डर थी और जब मैं 6 ईयर का था तब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था बॉडी बिल्डिंग से, और जब मैं 18 साल का होने वाला था तब से मैंने स्टेरॉइड चालू करे थे। बट एट द सेम टाइम रिच पियाना ये कहते हैं कि 18 साल में तो नेचुरली बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, बट फिर भी मैंने स्टेरॉइड्स तो इसे चालू करा, और जब मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता था तब मैं 315 पाउंड्स का बेंच लगाता था, बट जब मैंने स्टेरॉइड्स लेना चालू कर दिया, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में डेकान टेस्टा की साइकिल ली थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली 405 पाउंड्स के बेंच लगाने लगा, तो स्ट्रेंथ वाइज उनको स्टेरॉइड्स का काफी ज्यादा फायदा हुआ था, बट उन्हें क्या पता था कि यही चीज आगे जाके उनके डेथ का कारण बन सकती है। रिच पियाना कहते हैं कि स्टार्टिंग में उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था स्टेरॉइड्स लेना बिकॉज वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेते थे एंड डॉक्टर उनको 8,000 पर मंथ चार्ज करते थे। तो रिच पियाना स्टार्टिंग से ही अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट रहे, वो लोगों से ऑनेस्ट रहते, इसलिए उनका इतना ज्यादा स्टारडम था। वो कहते कि जब उनका लीवर का टेस्ट करवाया गया था उनके एंजाइम्स काफी ज्यादा हाई थे, तो लीवर टॉक्सिसिटी अवॉइड करने के लिए उन्होंने सारी वो चीजें की जो उनको करनी चाहिए थी, वो थोड़ी देर के लिए ड्रग्स से दूर भी रहे थे एंड वो कहते कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। रिच पियाना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 100% अवेयर थे जो चीजें वो कर रहे हैं उससे, बल्कि उनको पता था कि ये चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके उनके हेल्थ को डैमेज करने वाली है, बट फिर भी वो स्टेरॉइड्स का ओवरडोज करे जा रहे थे। इसका मतलब दोस्तों आपको समझ सकता है कि उनको सारी चीजें पता थी बट वो जस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनको स्टेरॉइड्स की लत लग गई थी। उन्होंने बिफोर रिटायरिंग एंड आफ्टर रिटायरिंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग करियर हमेशा स्टेरॉइड्स का यूज चालू रखा, हमेशा वो स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करते रहे और इसी की बदौलत उनकी 2017 अगस्त में डेथ हो गई थी। और उनके एटॉप्सी रिपोर्ट में भी कुछ इस तरीके से शो कर रहा था कि उनके हार्ट की जो साइज होती है वो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट से ज्यादा हो गई थी एंड उनके ब्रेन में भी एडेमा हो गया था। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी शायद ही कोई हेटर होगा रिच पियाना का बिकॉज काफी ज्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने स्टेरॉइड्स लाइफ के बारे में ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बल्कि कुछ लोग या फिर कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप नेचुरली इस लेवल तक पहुंच सकते हो, बट रिच पियाना ने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा स्टेरॉइड के बारे में ट्रांसपेरेंट रहते थे और हमेशा लोगों को एजुकेट करते रहते थे। दोस्तों रिच पियाना ओनली 11 ईयर्स के थे तब उन्होंने वर्कआउट करना चालू करा था और 18 साल के होने तक उन्होंने मिस्टर टीन कैलिफोर्निया कंपटीशन जीती थी और आगे जाके यही लेगेसी उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सीनियर मिस्टर कैलिफोर्निया भी जीत लिया था। दोस्तों इसका मतलब क्लियर है कि उन्होंने ओनली स्टेरॉइड्स अब्यूजमेंट नहीं करी थी, उनका बॉडी बिल्डिंग पे भी प्रॉपर फोकस था। और जब वो बॉडी बिल्डिंग करते थे वो ज्यादा फेमस थे उनकी स्ट्रेंथ के वजह से और उनका जो सक्सेस था उनको बॉडी बिल्डिंग फील्ड में मिला था और उनकी सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, काफी ज्यादा उनकी व्यूअरशिप थी उनकी डेथ होने से पहले। रिच पियाना का खुद का एक फिटनेस ब्रांड भी था जिसका नाम था 5% न्यूट्रिशन और एक इंटरव्यू में रिच पियाना तो ये भी कहते कि मैं खुद से ही हर्ट हुआ हूँ बिकॉज मैं आफ्टर रिटायरमेंट भी स्टेरॉइड्स का यूज कम नहीं कर पा रहा, मुझे इस चीज की लत लगी। तो आप देख सकते हो कि इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट करे थे इससे तो साफ क्लियर होता है कि उनको लत लगी थी स्टेरॉइड्स की और इसी के कारण उनकी लाइफ आगे जाके अफेक्ट हो गई थी। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट खुद रिच पियाना को खुद के बॉडी में नोटिस हो रहे थे, इसीलिए वो लोगों को हमेशा एजुकेट कर रहे थे। वो लोगों को हमेशा कहते थे कि जब आप टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट करते हो तब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन क्रैश हो जाता है, या फिर आप जब जीएच इंट्रोड्यूस करते हो अपने बॉडी में तब आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है, इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते कि कैसे पेप्टाइड ह्यूमन के गट को बढ़ाता है,
बिकॉज जो पेप्टाइड आप इंट्रोड्यूस करते हो तब आपका जो इंटेस्टाइन होती है वो पुश हो जाती है और आपके एब्स तो 1 inch अपार्ट पुश हो जाते हैं। ऐसे वो खुद इंटरव्यू में बताते हैं। मुझे तो मालूम नहीं कितनी चीजें सच्ची है कितनी झूठी है, बट अगर वो बताते हैं बिकॉज उन्होंने 30 years तक स्टेरॉइड्स का यूज करा था तो डेफिनेटली ये चीजें सही होगी। आगे जाके रिच पियाना शेयर करते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स ने अफेक्ट करा उनके रिलेशंस को, बिकॉज उनके गर्लफ्रेंड के साथ भी उनके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। और जब रिच पियाना की डेथ हो गई थी वो हेयर कट कर रहे थे और वो सडनली गिर गए थे और उनके घर में तो पुलिस को 20 बॉटल मिले थी स्टेरॉइड्स की, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितने एडिक्ट हो गए थे। उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो कहीं भी लिखा नहीं था कि उनके ड्रग्स की वजह से मौत हो गई है, बल्कि उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उनके हार्ट की जो साइज है वो नॉर्मल ह्यूमन के हार्ट से थोड़ी बढ़ गई थी और उनकी जो आर्टरीज है वहाँ पे हार्डनेस बढ़ गया था। बट दोस्तों जो हार्ट की साइज बढ़ती है वो ड्रग्स की वजह से ही बढ़ती है जब आप स्टेरॉइड्स यूज कर लेते हो, और उन्हें तो 30 years तक स्टेरॉइड्स यूज करा था, तो इसका मतलब साफ है अगर ऑटोप्सी रिपोर्ट में ड्रग्स का रीजन नहीं है फिर भी उनकी मौत स्टेरॉइड ओवरडोज से हुई थी। बिकॉज काफी ज्यादा लोग भी ये कहते हैं, डॉक्टर ने भी यही रिसर्च करा है, बिकॉज जब आप स्टेरॉइड्स का ओवरडोज करते हो तब आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस होते हैं या फिर कुछ चेंजेस नोटिस होते हैं जो कि रिच पियाना के हार्ट में नोटिस हुआ था। तो इस तरीके से रिच पियाना की जर्नी थी। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ज्यादा लोग उनको हेट नहीं करते, काफी ज्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट ही करते बिकॉज उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने एजुकेशन भी दिया है। बट दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टेरॉइड्स की लत आपकी डेथ का कारण बन सकती है अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या फिर आप एक 20-21 साल के लड़के हो, अगर आप चाहते हो आप स्टेरॉइड्स ले फ्यूचर में, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। बिकॉज आजकल तो काफी ज्यादा कोचेस जो है वो काफी ज्यादा नॉलेज वाले हैं और वो अपने बॉडी का ख्याल भी रखते हैं, अपने ऑर्गन्स का ख्याल भी रखते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट ओवरडोज किसी भी चीज का आपके डेथ का कारण बन सकता है, ये वीडियो से क्लियर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर वीडियो से आपको थोड़ा कुछ सीखने मिला होगा देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी देन कमेंट्स में आप बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल।